गाइस, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो चुकी है और मेरे पुराने ब्लॉग को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम हैं संदोवा में एंड आज जा रहे हैं हम संदोवा को वैली को एक्सप्लोर करने और वहाँ पे देवता का मंदिर है, वहाँ देखेंगे, जाकर के माथा टेकेंगे और आपको भी वहाँ का कल्चर दिखाएंगे। तो अभी बजे 7 और नहाते धोते हैं उठते हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। गाइस, जो बाहर का नज़ारा है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, आप उसको बहुत अच्छे इन्जॉय करेंगे। सुबह सुबह का पहाड़ों का व्यू बहुत ही प्यारा था। सो गाइस, सुबह का मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है का है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पे धुंध छाई हुई है और हम बादलों से ऊपर हैं एंड कितना प्यारा यहाँ पे व्यू आया हुआ है और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश लगी हुई है। तो गाइज, ये संदोवा वैली एंड ये संदोवा वैली का विलेज, ये रास्ता जा रहा है ऊपर से, इसके पीछे मंदिर है, तो हम जाएंगे। हम अभी होते हैं रेडी और नहाते धोते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर के लिए और मैं भी आपको शानदार व्यू दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। सो गाइज, मैं हो चुका हूँ यहाँ पे रेडी नहा धो के, हम सभी रेडी हैं, मम्मी भी रेडी है और वेट कर रही है मेरा चलने के लिए। तो निकलते हैं अब मंदिर के लिए, फिर डैडी ने स्कूल भी जाना है तो जल्द से मंदिर हो आते हैं, बाद में खाना वगैरह खाएंगे इधर आकर के। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है ताला और चलते हैं, पीछे व्यू चेक कर सकते हैं अब कितना प्यारा व्यू है। और ये सेब के बगीचे इस तरह आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और ये रहा कुछ सड़क और स्कूटी आ रही है सामने से और कितना प्यारा यहाँ पर व्यू है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, मम्मी भी हमारे साथ सुबह सुबह जा रही है, मम्मी हेलो करो, और मम्मी यहाँ पे हेलो कर रही है। तो चलते हैं मंदिर की ओर। और ये हमारी गाड़ी है बेचारी साई हुई है, घर में रहती थी छत के नीचे और आज यहाँ कहाँ ये बीच में फंसी हुई है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और यहाँ पे मम्मी और डैडी बैठे हैं पीछे, आज डैडी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे एंड बारिश का मौसम है बाहर। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं देवते का जो मंदिर खोलते हैं उनके घर में, ये पीछे उनका घर है, मैं उनके बुलाने आया हूँ। सो दोस्तों, अंकल आ चुके हैं गाड़ी में, ये मंदिर को खोलेंगे ऊपर एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और ये देख रहे हैं आप सामने, ये मंदिर देवता का और कुछ ऐसा है सुबह का व्यू। और ये हैं वो अंकल जो हमें मंदिर तक ले जाएंगे। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंदिर और ये है संदोवा विलेज, साथ में इनके मंदिर है।
सो दोस्तों फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ के देवता जी का मंदिर। देवता जी का नाम है श्री पंदोई देवता। और देख सकते हैं सारा लकड़ी का काम यहाँ पे, कितना अच्छा मंदिर है पीछे मेरे। अच्छा ये भी मंदिर है। तो दोस्तों ये भी मंदिर है और ये भी मंदिर है। तो दोस्तों ये टोपी लगानी पड़ती है अंदर जाने से पहले। तो वो मूर्ति पालकी में आती है ना? पालकी में आती है। उधर बड़ा जाती है? कहाँ जाती है उधर? जहाँ मर्जी ले जाना उसको, सिर्फ वो दो महीने बंद रहती है। जैसे भदो हो गया ठीक है, तो जैसे अब नवरात्रि से बैठे हुए शाम से नवरात्रि नहीं थे अभी? बिल्कुल नवरात्रि थे। हाँ तो उस टाइम बंद रहते है। हम नहीं जाते, वहाँ दूसरे ही लोग है मंदिर में। हम तो सिर्फ यहाँ से इस स्थाई निवासी है और इधर ही हम पूजा करेंगे। इसमें हम तभी जाएंगे जब धोती होगी ठीक है, और दूसरे हमारे फाल्ट हो जाए तो हो जाए। सुदर्शन जी दान जी बस। और गुरु भी यहाँ पे, गुरु भाई भी गुरु पे यहाँ पे ही है। पास लिया होगा, पास जाता है वो? नहीं दिल्ली से ही है, गुरु यहीं से। हाँ यहाँ पे ही है। अच्छा वो भी नहीं जाते इसमें अंदर। अच्छा जब उनको भी इजाजत नहीं है, आपको इजाजत है? हमारे जो है जो हमारे जो मकान वाले हैं अगर आपने तो हो जाएंगे। हमारे तो पात्र बहुत खुशी की बात है। तो गाइज मैं मंदिर में माथा टेक के आ चुका हूँ और ये टोपी यहाँ की, इसके बिना मंदिर में नहीं जाते यहाँ पे, तो इन्होंने हमें ये पहनने के लिए दी। और शानदार व्यू आप मेरा मंदिर के पीछे देख सकते हैं। और आपने थोड़ी बहुत पंडित जी से देवता की कहानी सुनी होगी कि यहाँ पे जो देवता है इनका नाम है पंदोई देवता, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इनका जो असली मंदिर है वो है द्रोगड़ा में, जहाँ पे इनका असली रथ है। वहाँ पे सोने की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे ये सिर्फ पूजते हैं। जो गुर है वो भी सिंधुआ का ही है और स्थानीय लोग यहाँ पे देवता जी को पूजते हैं। इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, बोला जाता है कि ये तीन मुल्कों के राजा हैं और इनका बहुत बड़ा एरिया है। और ये बहुत सच्चे देवता हैं, देवता तो सभी सच्चे होते हैं। जो भी यहाँ पे मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, तो नमन करते हैं वैसे देवता जी को। तो दोस्तों यहाँ ये जो मंदिर है यहाँ पे देवता जी विराजमान हैं, इनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और पंडित जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो देवता है यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह नहीं है शायद, और तांबे का कुछ यहाँ पे पूछते हैं। ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं मिली यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात की, औरतों को बाहर ही रखते हैं मंदिर में नहीं, प्रवेश का वर्जित है। तो मम्मी यहाँ पर बैठी है बेचारी और यहीं से ही अरदास लगा रही है मम्मी।
दोस्तों ये भी एक मंदिर है, ये भगवती माता का मंदिर। ये भगवती का मंदिर है, अच्छा भगवती का है। ये शक्ति है भी। जहाँ पर क्या हुआ, जब देवता जाता ना जी तब ये साथ चलती है भगवती। तो दोस्तों अभी हम मंदिर एक्सप्लोर करके आ गए हैं और बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत ही मज़ा आया सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके। एंड अब जा रहे हैं वापस और मेरे पीछे आप गांव देख सकते हैं, कितना प्यारा गांव है, पुराने पुराने घर हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे और ऐसा लग रहा है कि जन्नत में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों वो जो आप नीचे से देख रहे हैं वो है डैडी का स्कूल और यहाँ पे खड़े हुए हैं सभी और नीचे उतर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और ये रहा पीछे गांव और देवता जी का मंदिर। तो गाइस अभी आ गए हैं मंदिर से जा करके और अब डैडी जाएंगे स्कूल और मैं जाएंगे रूम, खाना वगैरह खाएंगे, पता लगता रहेगा जी। तो दोस्तों अपन आ गए हैं मंदिर से और एक मिथ क्लियर हो गया है। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे सारे लोग दूध नहीं पीते ना, तो हम लोग भी नहीं पी सकते हैं, तो जो पुजारी अंकल थे हमारे साथ उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप तो पी सकते हैं, आप दूध पिए चाहे आप चाहे, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो चलो अब दूध लगाएंगे यहाँ पर और पूछेंगे कहाँ मिलता है दूध और लगाएंगे अपने लिए। तो मैं आ चुका हूँ अभी रूम पर एंड अब खाना वगैरह खाएंगे और देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या बनता है। दोस्तों आज बनी है यहाँ पे खिचड़ी ब्रेकफास्ट में और मम्मी डाल रही है घी।